बड़ा अपडेट इस वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस की बात करें तो वहां से सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु होगी और तकरीबन 10 लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल जो है देखने को मिला। जो बताया जा रहा है एक बिजी मार्केट थी और वही मोटरसाइकिल पे अगर बात करें तो उसके साथ जो है आईडी लगाई गई थी और उसी दौरान वो ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद 4 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है और लगभग 10 लोग जो हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि यही मार्केट जो है वो बताई जा रही है बलूचिस्तान की, जहां पर ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है और बताया जा रहा है कि ये मार्केट काफी ज्यादा बिजी रहती है। और इसमें अगर आप तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा तमाम सामान जो है वो मार्केट में नीचे जो है गिरा हुआ है और तमाम चीजें आगे पीछे जो है वो साफ तौर पर हो चुकी है। और फिलहाल जो है इसमें बताया जा रहा है कि जिसके बाद वहां पर नजदीकी अस्पताल की बात करें तो जितने भी गंभीर लोग थे जिन्हें इंजरीज आई हैं उन्हें जो है जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो ले जाया गया, पर फिर भी 4 लोग जो हैं इस ब्लास्ट में अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि जिनकी इसमें मृत्यु जो है 4 लोगों की इसमें हो चुकी है। और बात करें इसमें तो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है लगातार देखी जा रही है, जो मिलिटेंट्स द्वारा पाकिस्तान में भी की जा रही है। और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुदूस की बात करें तो उनकी ओर से भी इस ब्लास्ट को लेकर कंडम जो है वो साफ तौर पर किया गया है। और जिसके बाद अगर बात करें तो आपको बता दूं कि इस पे फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर अभी जारी है, पर बताया जा रहा है कि तमाम मोटरसाइकिल्स और जितने भी वहां पर वेजिटेबल मार्केट या तमाम पूरे मार्केट में बात करें तो तमाम सामान जो है वो भी पूरी तरह से गिरकर जो है खत्म हो चुका है। और ये रखनी मार्केट बताई जा रही है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, और बताया जा रहा है इम्प्रोवाइज एक्सक्लूसिव डिवाइस जो है आईडी वो इसमें लगाया गया था। एक और तस्वीर सामने आई है, ये भी आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह की अफरा तफरी इस मार्केट की बात करें जो कि मार्केट बताई जा रही है और वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। और तमाम सामान की बात करें तो किस तरह से रखनी मार्केट है ये बलूचिस्तान की, और जहां पर ये धमाका पेश आया और आईडी बताई जा रही है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है आईडी वो प्लांट की गई थी एक मोटरसाइकिल के साथ जो एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद इस हादसे में 4 लोग घायल हुए और वहीं तकरीबन 10 लोग जो है इस ब्लास्ट में जो है इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल उनका उपचार जो है वहां के नजदीकी हॉस्पिटल नियर बाय हॉस्पिटल में जो है वो चल रहा है, और जो कि बरखान स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO सज्जाद अफसल ने जो है ये जानकारी साफ तौर पर दी है। तस्वीरें कुछ और भी हैं जहां पर लगातार तमाम लोगों को जो है हॉस्पिटल जो है पहुंचाया जा रहा था, पर उसके बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। ये साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल उस मार्केट में देखने को मिला जब ये ब्लास्ट हुआ, और 4 लोग इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और वहीं तमाम ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस ब्लास्ट को लेकर जो है अपना दुख जो है वो साफ तौर पर जाहिर किया गया। तो फिलहाल ये बड़े अपडेट बलूचिस्तान से सामने आ रही थी, जहां पर एक ब्लास्ट आईडी ब्लास्ट हुआ है और 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई और 10 लोग इसमें घायल जो है बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।